खासकर बॉलीवुड की बेबाक और दमदार एक्ट्रेस में से एक हैं। वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं और हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाक होकर रखती हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में पुरानी मजेदार घटना के बारे में बातचीत की। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे एक पार्टी में उन्होंने किंग खान को छेड़ दिया था। पूरा मुद्दा क्या है, चलिए जान लेते हैं। एक्ट्रेस को रुद्रानी चटर्जी के चैट शो में आनंद एल राय की बर्थडे पार्टी की एक तस्वीर दिखाई गई। इसमें वो शाहरुख खान के साथ थी। स्वरा ने इसके बारे में बताया कि इस समय पार्टी में वो क्रॉप टॉप पहनकर गई थी। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने इस दौरान क्रॉप टॉप इसलिए पहना था क्योंकि उस वक्त वो सही शेप में और पतली थी। हालांकि इस पार्टी में उन्होंने जो कुछ किया इसके लिए उन्हें काफी शर्मिंदा होना पड़ा था। इसके आगे एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने पार्टी में काफी ज्यादा शराब पी ली थी और शाहरुख खान को छेड़ दिया था। शाहरुख मेरी हरकतों को बर्दाश्त करते रहे, मैंने उन्हें इतना तंग किया फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अदाकारा ने ये भी बताया कि वो शाहरुख खान के इस रिएक्शन के बाद में काफी इम्प्रेस हुई थी। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने एक पॉलिटिशियन से शादी की है। 16 फरवरी साल 2023 को समाजवादी पार्टी नेता और सोशल एक्टिविस्ट फहाद अहमद से शादी कर सभी को चौंका दिया था। स्वरा और फहाद ने इस दिन कोर्ट मैरिज की थी। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस शादी से पहले ही मां बनने वाली थी और दिल्ली में दोनों ने बेहद ही क्लोज लोगों के संग शादी की थी। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।